अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू रीड विद आयशा। अगले 5 मिनट में आपको सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स पता होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि मैं अपनी हर वीडियो के एंड पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज अटैच करती हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और ज्यादा बेहतर तरीके से टेंसेस सीख सकें। तो मेक श्योर कि जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो इसके एंड पे मौजूद एक्सरसाइज आपने सारी की सारी सॉल्व करनी है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की अगर मैं आपको उर्दू में पहचान बताऊं तो जिन सेंटेंसेस के एंड पे अलिफ या कोई सी भी या आती है या फिर जो सेंटेंसेस एंड होते हैं ता था ती थी या ते थे वगैरह इस तरह के वर्ड्स के ऊपर, तो उनको हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। कैसे? किसी सेंटेंस के एंड पे अलिफ आए, जैसे कि वो स्कूल गया या वो स्कूल गई या वो स्कूल गए। देखें, इन सेंटेंसेस के एंड पे अलिफ या ये आई है तो इसका मतलब है इनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। रूल देख लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमने एग्जांपल ली है उसने खाना खाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल है। अब इंडेफिनिट टेंस मतलब उसने खाना खाया एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ कि किस वक्त खाया, बस पास्ट में बताया कि पास्ट में एक काम था वो हो गया, तो इसलिए इनडेफिनिट टाइम पीरियड की बात है कि उसने खाना खाया। अब वो पास्ट में कोई भी पॉइंट टाइम हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट क्या है? ही। वहां पे काम किसने किया? उसने। वो ही या शी कोई भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को सपोज किया कि वो मेल है, ही है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिखी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो मैंने लिखा एट। एट ईट की सेकेंड फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख दी। उसके बाद आर्टिकल लगेगा क्योंकि कोई खाना है ना जिसको मेंशन किया हुआ है, तो एक स्पेसिफिक मील है, इसलिए जब भी कोई स्पेसिफिक चीज होती है तो उसके साथ आर्टिकल जरूर लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया और उसके बाद मैंने मील ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस था। ये कैसे बन गया? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट, ही एट द मील। अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है। ये डिड हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के साथ भी यूज होगा और ही शी इट के साथ भी यूज होगा। तो हम लोग जब इसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर नॉट शो कर रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। डू या डिड या डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी। उसके बाद आर्टिकल आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे बन गया? ही डिड नॉट ईट द मील, उसने खाना नहीं खाया। और इसी को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव देखें, क्वेश्चन की फॉर्म में देखें, तो क्या हो जाएगा? ये इंटरचेंज हो जाएंगे। डिड हमेशा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिर डिड ही। और अगेन, जो मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ, तो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, आर्टिकल लग जाएगा और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? डिड ही ईट द मील। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, एंड मेक श्योर जो एक्सरसाइज मैं एंड पर अटैच कर रही हूँ आप उसकी जरूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको चीजें ज्यादा रिटेन हो सके। दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।